ओके तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली जो पूरा पेपर है जो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसमें बाकी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। आज बस एक नया टॉपिक है इस पूरे पेपर में, क्रेडिट लिमिट के बारे में आज हम नया सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट ए कंपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो टैली पे आते हैं और ये कंपनी को क्लोज करते हैं, कंट्रोल F3, और इस कंपनी को शट करते हैं। ओके और अब एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, टैली J13 उत्तर प्रदेश। और कंपनी जो हमें आज बनानी है वो 18-19 में हमें क्रिएट करनी है, तो 1/4/2018। तो ये हमारी बन गई कंपनी। कंपनी बनने के बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ओपनिंग चढ़ा लेना। तो यहाँ पे हमें दो लेजर दिखाई दे रहे हैं, एक कैपिटल और एक PNB, और दोनों में 1 लाख रुपया है। तो चलिए ओपनिंग चढ़ा लेते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्रिएट लेजर कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, इसको ऊपर करना पड़ेगा। ओके तो कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, और ओपनिंग है 1 लाख। और एक लेजर हमारा और है जिसकी हमें ओपनिंग चढ़ा लेनी है, वो है PNB, यानी कि बैंक में जो खाता है PNB। और PNB जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, और इस लेजर की भी जो ओपनिंग है वो 1 लाख है। ओके तो हमारी बैलेंस शीट है जो बिल्कुल बराबर होगी, मान के चलिए हमारे पास कैपिटल है 1 लाख का और 1 लाख रुपया हमारे बैंक में बैलेंस भी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है परचेज, परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम आशीष ट्रेडर, और बिल नंबर दिया हुआ है और डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2018। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ फीचर्स को इनेबल करना होगा। एक तो ये बैच नंबर का फीचर है जो हमें इनेबल करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट दिया हुआ है। ओके और दूसरा ये जो क्वेश्चन है हमें पास करना है परचेज वाउचर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फीचर इनेबल करा लेंगे, F11 में जाएंगे और मेंटेन बैचेस इनेबल बैचेस इस फीचर को यस करा लेंगे, और इसके नीचे मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, ये फीचर, ये दो फीचर आपको इनेबल करा लेने हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे वाउचर में और परचेज का वाउचर ओपन कर लेंगे, शॉर्टकट की F9 परचेज की, और डेट डाल लेंगे। तो डेट है आपकी 1 अप्रैल ही, और यहाँ पे आपको क्या चढ़ाना होता है, सप्लायर इनवॉइस नंबर में बिल नंबर। तो इस क्वेश्चन में बिल नंबर दिया है PUR TR 18/19/18-19। और अब हमें यहाँ पे बनाना होता है पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का लेजर। तो यहाँ पे आपको बस देख लेना है किस पार्टी से आपने परचेज किया है। तो आशीष ट्रेडर से हमने परचेज किया है, आशीष ट्रेडर्स। अब जिससे भी हम सामान खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, तो इसका अंडर डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ओके अब यहाँ पे हमें बना लेना होता है परचेज का लेजर, अल्टी करके बना लेते हैं परचेज। अब परचेज का लेजर जो होता है वो अंडर परचेज अकाउंट जाता है। अब यहाँ हमें बनाना है स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम में हमारे पास दो स्टॉक आइटम है, स्काई बैग और लिबर्टी बैग। ठीक है अब यहाँ पे एक चीज हमें फिर से बाहर निकलना पड़ेगा, गोडाउन हमें क्रिएट करना पड़ेगा पहले। चलिए एक बार फिर से मैं बाहर निकलता हूँ, गोडाउन पहले बना लेते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन में गोडाउन शो नहीं करता है, सॉरी लेजर में नहीं, हमें जाना है गोडाउन में। गोडाउन तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा गोडाउन बख्शीपुर में है, तो यहाँ बना लेते हैं बख्शीपुर। ओके चलिए एक बार फिर से हम लोग चलेंगे परचेज के वाउचर पे, वाउचर, और यहाँ पे प्रेस कर लेंगे F9। ओके PUR बिल नंबर क्या था अपना, PUR TR 18-19, PUR/TR/18-19। ओके पार्टी थी आशीष ट्रेडर्स, और यहाँ परचेज का लेजर, और यहाँ हमें बनाना है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम जो है, पहला स्टॉक आइटम नाम है स्काई बैग, और स्काई बैग का जो ग्रुप है वो ग्रुप वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो अंडर हम लोग डालेंगे प्राइमरी,
और यूनिट की अगर बात करें तो इस आइटम की जो यूनिट है वो पीस में है, कुछ दिया नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं पीस। ओके अब यहाँ पे एक फीचर आता है मेंटेन इन बैचेस, ठीक है, क्योंकि हमें उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंटेन करना है, तो ये मेंटेन इन बैचेस इस फीचर को हम यस करा लेंगे, और इसके नीचे ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इस फीचर को भी यस कराएंगे, और एक्सपायरी डेट इस फीचर को भी यस करा लेंगे। तो ये तीनों फीचर आपको यस करा लेने हैं। गोडाउन यहाँ पे बता देंगे बख्शीपुर, और यहाँ हमें बताना होता है एक्टिव बैचेस, ठीक है। तो इसका जो बैच नंबर है वो क्वेश्चन में दिया है ATS/456, ATS/456, तो यहाँ पे आपको बैच नंबर डिफाइन कर देना है। इसके बाद इसकी इस आइटम की जो क्वांटिटी है 60 पीस 8,000 के रेट से, तो 60 और 8,000 का रेट है। अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 1 फरवरी 2018, तो यहाँ पे डालेंगे 1/2/2018, और एक्सपायरी डेट है वो 31/12/2018, 31/12/2018। तो ये हमारा एक आइटम का परचेज बता दिया हमने। अल्ट सी प्रेस करके एक दूसरा आइटम भी है वो भी बता देते हैं। तो दूसरा आइटम है लिबर्टी बैग, अंडर प्राइमरी यूनिट पीस, और इसका भी बैच मेंटेन करना है, तो ये तीनों फीचर हमें यहाँ पे यस करा लेना होगा। गोडाउन बख्शीपुर बैच नंबर, अब इसका बैच नंबर है BVR 854, BVR/854। ओके क्वांटिटी, अब इस आइटम की जो क्वांटिटी है 42 पीस 7,000 के रेट से, 42 पीस, और रेट है इसका 7,000। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 2 जनवरी 2018, 2 जनवरी 2018, और एक्सपायरी डेट है 1 जनवरी 2019। तो ये हमारे दो आइटम परचेज हो गए, और इसमें हमने मेंटेन किया है बैच वाइज डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट इसमें बताई हुई है। और अंत में हमें लेना होता है जैसे नया बिल बन रहा है तो न्यू रेफरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम राजीव ट्रेडर्स, बिल नंबर है PUR RQ 18/19, 2 अप्रैल को हमने परचेज किया। अब इसमें नोट लिखा है 1 पैकेट बराबर 100 पीस, यानी एक पैकेट में कितने पीस है, 100 पीस है। आइटम हमें, चार आइटम हमें परचेज करके लाने हैं, और नोकिया की अगर बात करें तो 10 पैकेट परचेज करना है और बिल बनेगा 8 पैकेट का। तो हमने कल भी इसके बारे में बात की थी कि यहाँ पे 10 पैकेट एक्चुअल में आ रहा है और 8 पैकेट का बिल बन रहा है, तो उसका मतलब कि 2 पैकेट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी इस फीचर को इनेबल कराना होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि परचेज प्राइस इसका दिया हुआ है 56,000, और यहाँ पे देखिए एक और कॉलम दिया हुआ है जिसका सेल प्राइस इसका दिया हुआ है। तो अब है क्या बेसिकली कि ये जो नोकिया आइटम हम परचेज करके ला रहे हैं, सेम इसी समय परचेज करते समय ही हम इसका क्या डिफाइन कर देंगे, सेल प्राइस, ठीक है। ये किस पर्पज के लिए होता है, तो बेसिकली आपने मॉल वगैरह में देखा होगा कि जो भी आइटम वहाँ पे लगे रहते हैं तो उनका सेल प्राइस उस पे टैग लगा रहता है। इससे कस्टमर को फायदा होता है कि वो आइटम को देखते ही पकड़ लेते हैं कि भाई कितने प्राइस में हमें ये आइटम उपलब्ध होगा। उसी तरह से एक अकाउंटेंट जो होता है, जो टैली पे काम कर रहा होता है, अब क्योंकि किसी किसी बिजनेस में ऐसा होता है कि बहुत सारे आइटम होते हैं, तो वहां पे सबका सेल प्राइस टिप पे याद करना मुश्किल होता है। तो अकाउंटेंट क्या करते हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ही, जब सामान खरीद के आया होता है उसी समय उसका सेल प्राइस भी फिक्स कर दिया जाता है। तो अकाउंटेंट भी क्या करता है, अपने टैली में सेल प्राइस उसी समय फिक्स कर देता है। इससे फायदा अकाउंटेंट को ये होता है कि जब वो सेल की एंट्री पास करना कर रहा होता है, तो जैसे ही आइटम का नाम वहां पे लेता है और उसकी क्वांटिटी जैसे ही फिल करता है, तो वो सेल रेट अपने आप आ जाता है। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे कि यह फीचर कहाँ से इनेबल होता है। और तीसरी चीज जो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, सबसे लास्ट आइटम पे गौर करिए कि यहाँ पे क्वांटिटी एक्चुअल कितना है, 30 पीस, और बिल यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि ये आइटम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम के लिए भी फीचर इनेबल कराना होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें कुल मिलाकर के 3 फीचर इनेबल करने हैं, एक एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी का, और दूसरा ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं, ये फिक्स करना है हमें, तो इसका फीचर होगा। और तीसरा फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम अगर आपको खरीदना या बेचना है, तो उसके लिए भी एक अलग फीचर है, वो भी आपको इनेबल कराना होगा। तो चलते हैं टैली पे और इन तीनों फीचर के बारे में समझते हैं कहाँ से कौन सा फीचर इनेबल होगा। तो सबसे पहला फीचर एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी, वो हम इनेबल करेंगे F11 से। तो F11 में चले जाइएगा, और यहाँ सबसे नीचे आप देखेंगे एक फीचर आपको मिलेगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस।
तो इस फीचर को आपको इनेबल करा लेना है। ओके, तो ये हमारा पहला फीचर इनेबल हो गया। दूसरा हम लोग इनेबल करा लेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो एक मोबाइल केस आ रहा है अपने पास, उस फीचर को। ठीक है, तो वो फीचर कहाँ से इनेबल होगा? तो इसके लिए आपको जाना होगा मास्टर्स में, अल्टर में। ठीक है, और अल्टर में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप में जाने के बाद आप यहाँ चले जाइएगा परचेज में, क्योंकि हमें ये एंट्री परचेज में पास करनी है। तो आप परचेज में ही जाइएगा और वहां पे आपको ये फीचर मिलेगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो ये फीचर किस काम में आता है? जब आपका आइटम एकदम कम्प्लीटली फ्री हो, ठीक है, तो आप ये फीचर यस कराते हैं। क्योंकि टैली में है क्या कि आप बिना किसी आइटम का, बिना रेट डाले, आप उस वाउचर को एक्सेप्ट नहीं करा सकते हैं। तो अगर आपको अमाउंट में यानी रेट में आपको कुछ नहीं भरना है और उस वाउचर को एक्सेप्ट कराना है, तो उसके लिए आपको ये फीचर इनेबल कराना होगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यानी कोई भी आइटम जीरो वैल्यू पर भी एक्सेप्ट हो जाए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फीचर। अब जो थर्ड फीचर है स्टैंडर्ड रेट वाला, वो आपको इनेबल कराना होगा स्टॉक आइटम में जाकर के। ठीक है, तो वो हम लोग ऑनलाइन जब परचेज की एंट्री चढ़ाएंगे उसी समय उस फीचर को इनेबल कराएंगे। तो हम लोग चलते हैं वाउचर में और यहाँ पे खोल लेते हैं परचेज का वाउचर, शॉर्टकट की होती है F9। ओके, और इस जो वाउचर ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो है 2 अप्रैल। तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे 2 अप्रैल है। बिल नंबर भर लेते हैं, तो बिल नंबर है PUR RQ 1819, PUR/RQ/18-19। और यहाँ पे हम पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, तो पार्टी का नाम है राजीव ट्रेडर्स, अल्ट सी करके बना लेते हैं राजीव ट्रेडर्स। अब राजीव ट्रेडर्स हम खरीद रहे हैं तो इसके अंडर जाएगा सेंट्री क्रेडिटर, एक्सेप्ट कराते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे हमें लेना है परचेज का लेजर, तो यहाँ परचेज का लेजर ले लेते हैं। अब यहाँ पे वन बाय वन हमें सारे आइटम क्रिएट करने होंगे, तो अल्ट सी करके हम पहला आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला आइटम हमें बनाना है नोकिया। अब इसके ग्रुप की बात करें तो इसका कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो अंडर ग्रुप डालेंगे प्राइमरी। अब यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट के बारे में यहाँ ऊपर दिया हुआ है नोट में, 1 packet = 100 piece। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी पीस बना हुआ है, तो हमें सिर्फ एक ही यूनिट बनानी है पैकेट। तो अल्ट सी करेंगे और एक यूनिट बनाएंगे पैकेट के नाम से, एक्सेप्ट करा देते हैं इसको। अब आपको इन दोनों यूनिट को क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। तो यहाँ फिर से अल्ट सी प्रेस करेंगे और सिंपल की जगह हम क्या ले लेंगे? कंपाउंड। यहाँ बैकस्पेस प्रेस करिएगा और कंपाउंड ऑप्शन ले लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पहली यूनिट क्या है? हमारी पैकेट, और एक पैकेट में कितने पीस हैं? 100। सेकेंड यूनिट क्या रहेगी? पीस। तो इस तरह से आपको यूनिट को कंपाउंड करना है। अब यहीं पे आपको एक फीचर इनेबल करना है स्टैंडर्ड रेट डिफाइन करने के लिए। तो इसी स्टॉक आइटम जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो यहीं पे आपको प्रेस करना है F12। ओके, सॉरी ये F11 हो गया, F12 प्रेस करिए यहाँ पे F12। ठीक है, F12 में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा, दिस वन, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। इस फीचर को आप यस करा लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप फीचर ये यस कराएंगे तो आप देखेंगे आपके टैली में एक नया यहाँ स्टॉक आइटम में ही नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा, सेट स्टैंडर्ड रेट। इसी फीचर को आपको यस कराना है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको दो कॉलम दिखाई देंगे, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कब डिफाइन करते हैं? तो सपोज करिए आप एक ऐसे आइटम में डील करते हैं जिसका परचेस, जिसको जब आप खरीदते हैं तो हमेशा उसकी जो प्राइस है वो सेम रहती है, कभी फ्लक्चुएट नहीं होती है, बढ़ती घटती नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे उस आइटम का परचेज रेट पहले से ही डिफाइन करके रख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे, परचेज बिल बनाएंगे, तो आपको सिर्फ आइटम का नाम लिखना है, क्वांटिटी भरनी है, रेट अपने आप आ जाएगा। पर ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है क्योंकि आइटम का रेट कई बार हमेशा फिक्स नहीं रहता है, हमेशा उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ओके, तो हमें फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है और यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है? सेलिंग प्राइस फिक्स करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डेट डालनी है, तो डेट कौन सी पड़ेगी? तो जाहिर सी बात है ये आइटम यानी कि नोकिया वाला जो आइटम है हम कब खरीद के ला रहे हैं? 2 अप्रैल को। जाहिर सी बात है उसको 2 अप्रैल के बाद ही आप बेचेंगे, 2 अप्रैल के पहले नहीं बेच सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डेट डालनी है वो 2 अप्रैल की डालनी है। अब इस नोकिया का सेलिंग प्राइस फिक्स कर लीजिए। तो सेलिंग प्राइस देखिए नोकिया का कितना है? 60,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको भरना है 60,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर डायरेक्ट बिल बन रहा है, तो ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, गो डाउन बक्शीपुर,
अब एक्चुअल क्वांटिटी कितना खरीद के ला रहे हैं, 10 पैकेट, और बिल कितने का बन रहा है, 8 पैकेट का। तो यहाँ एक्चुअल में भरेंगे 10 और यहाँ भरेंगे 8, और इसका जो परचेज प्राइस है, यहाँ पे आपको भरना है परचेज प्राइस, परचेज प्राइस है 56,000। तो यहाँ रेट में कितना भरेंगे, 56,000। तो यहाँ पे बस आपको ना जो सेलिंग प्राइस कहाँ भरना है और परचेज प्राइस कहाँ भरना है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसी तरह से नेक्स्ट आइटम जो हमें बनाना है वो है सैमसंग। सैमसंग इसका भी अंडर प्राइमरी और यूनिट पैकेट ऑफ 100 पीस, और इसका भी सेलिंग प्राइस फिक्स करना है। तो इस फीचर को यस करेंगे और स्टैंडर्ड रेट पे आएंगे, 2 अप्रैल की डेट डाल देंगे, और इसका जो सेल प्राइस है वो है 78,000, 78,000 यहाँ भर लेंगे। ओके, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन लक्ष्मीपुर। और इसमें देखिए एक्चुअल कितना खरीद के ला रहे हैं हम लोग, 15 पैकेट और 14 पैकेट का बिल बन रहा है। तो यहाँ 15 पैकेट और यहाँ पे कितना बनेंगे, 14 पैकेट, और परचेज प्राइस कितनी है इसकी, 75,000। तो यहाँ बनेंगे 75,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम जो हमें क्रिएट कर लेना है वो है MI, अंडर प्राइमरी यूनिट पैकेट ऑफ 100 पीस, और इसका जो स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना है। तो इस फीचर को यस करेंगे, तारीख 2 अप्रैल, और ये जो MI वाला मोबाइल है इसका जो सेल रेट है वो है 1,28,000। ओके, बाकी यहाँ ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन हमारा बख्शीपुर। अब ये एक्चुअल में कितना खरीद के ला रहे हैं, 20 पैकेट और 18 पैकेट का बिल बन रहा है। तो यहाँ भरेंगे 20 और यहाँ भरेंगे 18, और परचेज प्राइस इसका कितना है, 80,000 रुपये। तो यहाँ भरेंगे 80,000। इसी तरह से हमारा एक लास्ट आइटम है मोबाइल केस, जो कि कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल केस, ग्रुप इसका नहीं है, बाकी यूनिट ध्यान दीजिएगा इसकी, बाकी सबकी यूनिट पैकेट में है लेकिन इसकी यूनिट किस में है, पीस में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से क्या लेना है, पीस। स्टैंडर्ड रेट इसका फिक्स नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसका फ्री में हमें मिल रहा है ये आइटम। और ऑर्डर क्वांटिटी नॉट एप्लीकेबल, बख्शीपुर। अब एक्चुअल में कितना खरीद के लाया है, 30 पीस। तो यहाँ आपको भरना है 30 पीस। अब चूंकि ये आइटम कम्प्लीटली फ्री है तो ये जो बिल में आ रहा है 30 पीस, इसको आपको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप सिंपली स्पेस बार दबा दीजिएगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये आइटम आपका कम्प्लीटली फ्री हो गया। ठीक है, बाकी ये इनवॉइस आपका क्रिएट हो गया, बाकी इस वाउचर को एक्सेप्ट करा दीजिए। अंत में आपको क्या लेना है, नया बिल बन रहा है तो न्यू रेफरेंस आपको ले लेना है। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफर 10 पैकेट नोकिया एंड 15 पैकेट सैमसंग मोबाइल फ्रॉम बख्शीपुर गोडाउन टू तारामंडल विद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1% ऑन 1 मार्च 2018। तो टैली में गोडाउन ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अल्टर में, और यहाँ पे आपको वाउचर टाइप में जाना है, और चूंकि इसकी एंट्री जो होगी वो स्टॉक जर्नल में होगी, और ये जो ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज है इसको डिफाइन करने के लिए, ये एडिशनल कॉस्ट आपको डिफाइन करने के लिए स्टॉक जर्नल में, अल्टर में स्टॉक जर्नल में जा करके आपको यहाँ पे ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज इस फीचर को इनेबल करा लेना होगा। और इसके बाद आपको एंट्री पास कर देनी है स्टॉक जनरल में, शॉर्टकट की होती है उसके Alt+F7, राइट। डेट डाल लीजिएगा, तो डेट है इसकी, अच्छा इसमें कोई डेट नहीं लिखी, तो चलिए हम लोग 2 अप्रैल को ही इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या ट्रांसफर करना है वो देखिए, तो 10 पैकेट नोकिया, तो नोकिया का 10 पैकेट हमें ट्रांसफर करना है। तो नोकिया हमारे पास स्टॉक में भी आप देख रहे हैं 10 ही पैकेट है, बख्शीपुर गोडाउन में रखा है, और कितना पैकेट है, 10 पैकेट। और दूसरा आइटम जो हमें ट्रांसफर करना है वो है सैमसंग मोबाइल 15 पैकेट। तो यहाँ पे ले लेंगे सैमसंग, ओके, और ये हमारे पास स्टॉक में 15 पैकेट पड़ा है बख्शीपुर गोडाउन में, तो यहाँ ले लेंगे 15। अब इस तरफ आएंगे यानी डेस्टिनेशन वाले कॉलम में, और यहाँ फिर से एक बार नोकिया लेंगे, और यहाँ पे गोडाउन आपको चेंज करना है। तो हमें किस गोडाउन में ले जाना है, 15 बख्शीपुर गोडाउन टू तारामंडल। तो यहाँ पे एक नया गोडाउन आपको क्रिएट कर लेना है, तारा मंडल। ओके, क्वांटिटी जितना वहां से चला है उतना ही पहुंचेगा, तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी चला था तो 10 ही डालेंगे। और यहाँ पे ये विंडो जब आएगी तो यहाँ पे आपको एक ट्रांसपोर्टेशन का लेजर क्रिएट कर लेना है,
और ध्यान रखिएगा इस लेजर का जो अंडर जाता है वो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान ट्रांसफर करते समय जो खर्चा होता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और कितना खर्चा हुआ है तो 1% हुआ है, तो यहाँ पे 1% आप डाल देंगे। इसी तरह से सैमसंग, नेक्स्ट आइटम जो है सैमसंग, इसको हमें कहाँ ले जाना है, तारामंडल में, कितना क्वांटिटी, तो 15 पैकेट, और यहाँ पे भी आप लेजर ले लीजिएगा ट्रांसपोर्टेशन और 1% डिफाइन कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान ट्रांसफर। नेक्स्ट है सोल्ड 2 पैकेट सैमसंग एंड 300 पीस एमआई मोबाइल टू संजना एंटरप्राइजेस विद 2% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सेल करना है, पहली चीज तो सामान बेचना है तो सेल वाउचर में एंट्री होगी, और दूसरा इसमें 2% ट्रेड डिस्काउंट की बात कही जा रही है, तो 2% ट्रेड डिस्काउंट इस फीचर को आपको इनेबल करना होगा। तो ये फीचर आपको मिलेगा F11 में, F11 में चले जाइएगा और वहाँ पे आपको ये फीचर मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इस फीचर को आपको यस कर लेना है। ओके, और हम लोग सीधे चलते हैं वाउचर में और सेल। तो सेल के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है F8, डेट डाल लेते हैं तो डेट है 1/5 की, F2 1/5। पार्टी का नाम है आपके संजना एंटरप्राइजेस, अल्ट सी करके बना लेते हैं, संजना एंटरप्राइजेस। अब जिसको भी हम सामान बेचते हैं वो हमारे कौन होते हैं, डेप्टर के। और यहाँ हमें लेजर बनाना है किसका, सेल का। तो सेल, अब सेल जो है अंडर जाता है सेल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हमें वन बाय वन आइटम बताने क्या क्या बेचना है। तो हमें 2 पैकेट सैमसंग बेचना है, तो यहाँ पे लेंगे सैमसंग, और गोडाउन ले लेंगे, तो गोडाउन इस वक्त ये कहाँ पड़ा है, तारामंडल में। अब कितना बेच रहे हैं हम लोग, 2 पैकेट, तो यहाँ जैसे ही 2 पैकेट आप भरेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो सेल प्राइस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा 78,000। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए सैमसंग का हमने सेल प्राइस फिक्स किया हुआ था 78,000। तो बस यही बेनिफिट होता है कि आपको जो सेल प्राइस है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको डिफाइन कर देंगे तो, क्योंकि कंपनियों के पास ऑलरेडी बहुत सारे आइटम होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें स्टॉक का जो रेट है वो याद करना पड़ता है। तो अगर टैली में ये फीचर है कि आप उसी समय सेल रेट फिक्स कर दीजिए तो आपको आइटम का रेट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आइटम जो हमें बेचना है वो है MI मोबाइल 300 पीस, तो यहाँ ले लेंगे MI, गोडाउन इस वक्त ये पड़ा है बख्शीपुर में, और कितना बेचना है हमें, 300 पीस, तो 300 यहाँ भर लेंगे। ओके, यहाँ पे ना छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक क्या है कि जो MI मोबाइल है वो हम खरीद के लाए थे कितना, 20 पैकेट, राइट, और यहाँ पे हमें बेचना कितना है, अच्छा 300 पीस में बेचना है, सॉरी। तो यहाँ पे 300 पीस अगर बेचना है तो आपको ये 300 कैसे लिखना है, तो लिखिएगा 0-300, राइट, एक मिनट, 0-300, यानी 300 पीस बेचना है आपको, ध्यान रहे, ठीक है। तो 300 पीस का मतलब एक पैकेट में 100 पीस है तो 3 पैकेट में 300 पीस हो जाएंगे, यानी आपको 3 पैकेट बेचना है। यहाँ पे सेल रेट यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने आप आ गया है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। अच्छा हाँ, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी देना था, सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट इस क्वेश्चन में कितना है, 2%, हमने ऊपर वाले आइटम में भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो किया है, तो चलिए उसको सही कर लेते हैं सैमसंग वाले आइटम में। तो यहाँ पे भी 2% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आपको 2% डिफाइन कर लेना है। ओके, इसके अलावा और कुछ बेचना है क्या हमें, तो इसके अलावा हमें और कुछ नहीं बेचना है, तो ये यहीं पे एंट्री क्लोज। तो अंत में कौन सा रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे आपको बिल नंबर दे देना है। तो बिल नंबर देखिए इसका है SALENT7854/7854, तो यहाँ पे आपको जाके बिल नंबर चढ़ा देना होता है। तो ये हमारी हो गई सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सेट 50,000 क्रेडिट लिमिट ऑन शांति एंटरप्राइजेस एंड सोल्ड 4 पीस स्काई बैग एट द रेट 9,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में नया क्या है, तो इस क्वेश्चन में नया है कि आपको जो क्रेडिट लिमिट सेट करनी है। अब क्रेडिट लिमिट सेट करने का मतलब होता क्या है, जैसे हमारे जो डेप्टर होते हैं, ठीक है, तो कई बार कोई डिफॉल्टर डेप्टर होते हैं जो कि उधार लेने के बाद पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो हम ऐसे डेप्टर के लिए क्या करते हैं, उनकी क्रेडिट लिमिट फिक्स कर देते हैं, यानी कि उनको एक लिमिट तक ही उधारी देते हैं, उससे ज्यादा की उधारी उसको नहीं देते हैं। तो
ये जो क्रेडिट लिमिट है ये उधार देने की लिमिट होती है, उससे ज्यादा का इनवॉइस अगर आप बनाएंगे तो टैली में वो इनवॉइस एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो ये क्रेडिट लिमिट किस तरीके से सेट की जाती है, कहाँ ये फीचर आपको मिलेगा, यही इस क्वेश्चन में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए ये जो एंट्री है वो किस वाउचर में होना है, हमें क्या करना है, पहले तो कंपनी का वो क्रेडिट लिमिट सेट करनी है शांति एंटरप्राइजेस पे और फिर उनको बेचना है। तो चलिए पहले क्रेडिट लिमिट सेट कर लेते हैं। तो क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए आपको सिंपल सा लेजर में जाना है, मास्टर में, क्रिएट में और लेजर में चले जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फीचर यानी F12 यहाँ पे प्रेस करिएगा, फीचर आपको मिलेगा F12 में, ठीक है। और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखेंगे, दिस वन प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, ठीक है। आपको यहाँ से ये फीचर इनेबल करा लेना है, इस फीचर को यस करा लीजिएगा। ओके, पार्टी का नाम जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है, शांति एंटरप्राइजेस, शांति एंटरप्राइजेस। अब ये हमारे डेप्टर हैं तो इसका अंडर डाल देंगे सन्ड्री डेप्टर, ठीक है। और यहीं पे ये दिस वन स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, यहीं पे आ जा करके आपको उसका क्रेडिट लिमिट सेट करना है। तो क्वेश्चन में देखिए इनका क्रेडिट लिमिट लिखा है 50,000, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे 50,000। अब इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि आप इस पार्टी को जब सेल करेंगे तो अगर इनवाइस 50,000 से ज्यादा का बन रहा होगा तो वो वाउचर एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो चलिए सेल की एंट्री करके देखते हैं। तो ट्रांजेक्शन हमें सेल में करनी है, डेट डाल लेते हैं, तो डेट है 2/5 की, 2/5 की डेट आई थिंक ऑलरेडी पड़ी हुई है यहाँ पे, नहीं, पार्टी का नाम यही था शांति एंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसमें हमने क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है। ओके, अब देखिए जैसे ही आप ये लेजर लेंगे तो यहीं पे आपको शो होने लगेगा क्रेडिट लिमिट, इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट सेट है कितनी, 50,000, ठीक है। यहाँ पे सेल का लेजर ले लेंगे, आइटम बताएंगे, आइटम हमें बेचना है क्या, तो 4 पीस स्काई बैग 9,000 के रेट से बेचना है। तो स्काई बैग गोडाउन आपका कहाँ रखा है, बख्शीपुर में, और यही बैच ले लेंगे। और एक्चुअल में कितना आइटम हमें बेचना है, तो हमें बेचना है 4 पीस 9,000 के रेट से, तो एक्चुअल भी 4, बिल भी 4, ठीक है, 9,000, क्योंकि कोई फ्री आइटम हम नहीं बेच रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट भी इस पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको भरना है। ओके, तो ये 36,000 का हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्रेडिट लिमिट इसकी कितनी है, 50,000, और हम ये इनवॉइस बना रहे हैं कितने का, 36,000 का। तो अभी अगर हम इस इनवॉइस को एक्सेप्ट कराएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमें एक आइटम और बेचना है क्या, नहीं, और हमें कोई आइटम नहीं बेचना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर ये इनवॉइस का टोटल 50,000 से ज्यादा का हो जाएगा तो ये इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होगा, फिलहाल ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बस यही है क्रेडिट लिमिट का मतलब, कि अगर आप किसी लेजर के साथ क्रेडिट लिमिट सेट कर देते हैं तो उस पार्टी को उस अमाउंट से ज्यादा की उधारी आप नहीं दे सकते हैं। ओके, तो अंत में यहाँ पे न्यू रेफरेंस बिल नंबर लिख देंगे, यहाँ पे सेल ENT 787/7887, ये आपका हो गया बिल नंबर। तो ये तो हो गई हमारी सेल क्रेडिट लिमिट के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में रिसीव एंटायर अमाउंट फ्रॉम संजना एंटरप्राइजेज बाय चेक एंड अलाउड हिम 5% डिस्काउंट ऑन 1/6/2018। तो यहाँ पे हमें पैसा मिलना है तो रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे, और 1/6 को मिल रहा है तो यहाँ डेट डाल लेंगे 1/6 की। और किस पार्टी से मिलना है, तो संजना एंटरप्राइजेस से मिलना है, तो यहाँ पे ले लेंगे पार्टी संजना एंटरप्राइजेस, दिस वन। अब इसका करंट बैलेंस आपको दिख रहा है 377,84, अरे बाप रे, तो काफी लंबा चौड़ा बैलेंस है, 377,84,880। ओके, इतना लंबा इनवॉइस कैसे बन गया, लग रहा है कुछ या फिर हो भी सकता है। बाकी एनीवेज, बाकी हमें यहाँ पे क्या बताना है, इनको डिस्काउंट देना है, यानी इनसे पैसा मिल रहा है तो हमें अब इनको डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड का जो अंडर जाएगा वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, अब डिस्काउंट हमें कितना देना है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो 5% देना है, तो इसी वैल्यू का 5%। तो यहाँ पे आपको अल्ट सी प्रेस करके कैलकुलेटर खोल लेना है और ये अमाउंट लिख लेते हैं 377,84,880 और इनटू 5%। अब इसी का 5% हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका 5% इतना हो गया लगभग, और बाकी का पैसा हमें चेक से रिसीव होना है तो पीएनबी का बैंक ले लेते हैं। चेक नंबर यहाँ डाल लेते हैं, तो चेक नंबर 754562, 754562, ये आपका चेक नंबर हो गया, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कॉस्ट कैटेगरी सेंटर से रिलेटेड है, वो भी प्री डिफाइन है, प्री
प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर इनेबल, सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर का फीचर इनेबल करा लेना चाहिए। F11 में चले जाइए और कॉस्ट सेंटर इनेबल करा लीजिए, कॉस्ट सेंटर ऊपर ही है। ओके, दूसरा आपको कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेना है, तो क्रिएट में जाएंगे, पहले कैटेगरी बनाएंगे, शो मोर में जाके कॉस्ट कैटेगरी। अब कॉस्ट कैटेगरी जो हमें बनाना है वो किस नाम से, इंटरेस्ट के नाम से बना लेना है। इंटरेस्ट और रेवेन्यू आइटम यस, नॉन रेवेन्यू नो। और अब इनकी हमें एक एक करके कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेना है। तो इंटरेस्ट के दो कॉस्ट सेंटर है, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इनका क्या करना है, हमें परसेंटेज फिक्स करना है। तो परसेंटेज फिक्स करने के लिए आपको कहाँ जाना है, कॉस्ट सेंटर क्लास में, और यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट और एक एक कैटेगरी ले लेंगे इंटरेस्ट ही। और इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना परसेंटेज है, तो इस पे है 35% और बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यानी 65% है। तो ये हमारा बन गया कॉस्ट सेंटर क्लास। अब सीधे आएंगे वाउचर एंट्री पे, ठीक है, और यहाँ पे पेड हो रहा है तो पेमेंट में चले जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे। ओके, और डेट डाल लेंगे, तो डेट इसकी है 1/7/1/7। और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे अलसी करके, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट सेंटर इनेबल रखेंगे, कंट्रोल ए। कितना अमाउंट हमने खर्च किया, तो 12,000 रुपये, तो यहाँ भर देंगे 12,000। बाकी सॉरी, कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं बताया हम लोग ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लेना है, कॉस्ट सेंटर क्लास। तो हमने इंटरेस्ट के नाम से बनाया था कॉस्ट सेंटर। ओके, और क्रेडिट पेमेंट आई थिंक चेक से हो रही है, तो यहाँ ले लेंगे PNB। चेक नंबर बता देते हैं 7545637545633। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट सेंटर के साथ एंट्री। लास्ट में बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। तो ये है बैलेंस शीट आपकी, प्रैक्टिकल करिएगा तो एक बार मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके।